सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ सलवार के पोंचों को दो तरीके से बनाना, यानी कि जो सलवार के पोंचे आप बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं और वो भी दो स्टाइल में। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारी सलवार है, चाहे वो आपकी प्लेन सलवार हो या बेल्ट वाली हो। तो ये देखिए, हमने बेल्ट वाली सलवार थी हमारी और हमने पूरी बना ली है। अब हमारे सिर्फ इसके पोंचे हैं, जो नीचे के पोंचे हैं, तो हम आपको ये बनाना सिखाएंगे कि आप ये किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी जो टिप दूंगा मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो इसे आप किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको जितनी भी चौड़ी बुकरम लेनी हो, यानी आपको जितना भी पोंचा बनाना हो, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं इतना चौड़ा, जो कि आपका 1 इंच या 1.25 इंच का होता है, तो आपको क्या करना है, आपको बुकरम को इसे इतना फालतू निकालने के बाद इसे इस तरीके से नापना है, दोनों तरफ आपका इतना इतना बुकरम निकलना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, तो दो तरीके से आपको पोंछे बनाना बताऊंगा। तो ये देखिए, जब आपकी बुकरम निकलेगी इतनी, तो उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है जो कि इस बुकरम को पूरा का पूरा जो है छुपा ले। तो आपको क्या करना है, ये देखिए हमने यहाँ पे कपड़े को भी कटिंग कर रखा है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से बुकरम को रखना है, देखिए जैसे मैंने रखा है ध्यान से, और रखने के बाद आप इसे ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ के दोस्तों इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से रखने के बाद आप इसे यहाँ पे ऐसे करके कर लेंगे और इसे हाथ से ऐसे करके इस पर सिलाई लगाएं, फिर इसे ऐसे रखेंगे, फिर इसको भी इस तरीके से करने के बाद इसे सेट करते हुए पूरा इस पर सिलाई लगा लें, जो भी फालतू कपड़ा उसे हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हमारा वन साइड ये आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप इसे इस तरीके से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद दोस्तों इस पर आप सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको, ये आपका हल्का कपड़ा है तो आपकी बुकरम बिल्कुल कवर हो जाए, यानी कि आपको इस कपड़े पे सिलाई मारनी है। ऐसे मोड़ने के बाद ये सिलाई लगेगी, इस कपड़े पे लगेगी, जिससे कि आपका ये वाइट वाला हिस्सा पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए अब इसे ऐसे मोड़ के इस पर सिलाई लगाते हैं। वो तरीका दोस्तों वही होगा, थोड़ी दूर पर जहाँ भी आपका हाथ सेट हो आप इसे ऐसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से इस तरीके से उंगली चलानी है और इस पर सिलाई लगानी है। तो दोस्तों, जब आप ये कर लोगे, फिर आप इसको कैंची की मदद से जो भी फालतू कपड़ा है आप उसे कटिंग कर लें, तो ये आप देखेंगे कि आपका फिनिशिंग के साथ जो है आपने ये पोंचे को बना लिया है। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको मैं चौक का निशान लगा के दिखाता हूँ, ये हमारा उल्टी साइड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वाइट इससे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये उल्टी साइड है, तो आप इसे ऐसे घुमाएंगे और इसके किनारे पर देखिए इतनी सिलाई चलाएंगे और इस बुकरम को करीब इतना निकाल लेंगे बाहर की तरफ। जब ये आपका इतना बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आप अपनी सलवार लेंगे, और सलवार लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए एक कली होती है हमारी जो हम सिलाई पकड़ के जो सिलाई लगा लेते हैं, एक होती है जो हम कली वैसे मोड़ते हैं। तो इस सिलाई को आपको क्या करना है, आपको आगे की तरफ करके यहाँ पे हल्का नाखून लगा लेना है, चाहे वो आपका बड़ा मार्जन हो या छोटा मार्जन हो, और आपको तकरीबन इतना इतना मार्जन दबाना है। ये देखिए आपका 1/2 इंच का मार्जन है, आपको इतना दबाना है। तो देखिए जहाँ पर हमने सिलाई ख़त्म करी है, आप इसे ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई चलाना है, और उसके बाद दोस्तों आप इसे बुकरम को देखिए इस तरीके से ऊपर रखते हुए 1/2 इंच के मार्जन से इस पर जमाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें, वो चीज़ है आपकी जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका ये वाला हिस्सा है, आपका ये नम नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये जो चीज़ आपकी ऐसे नम होगी तो आपके पोंचे में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको क्या करना है, ये खींचना भी नहीं है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे रखना है हल्के हाथ से, और बुकरम को 1/2 इंच के मार्जन से ऐसे रखें, जहाँ पे आपका हाथ सेट हो जाए वहाँ तक पकड़ के इस पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। तो ये देखिए सिलाई लग गई, उसके बाद आप इसे इस तरीके से सेट करते हुए 1/2 इंच के मार्जन से ऐसे ऐसे रखें और इस पर सिलाई लगा लें। दोस्तों इसी तरीके से आप इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे पोचे को देखो सिलाई लगा ली है। अब आप देखेंगे जो हमारा ये वाला हिस्सा था, जो कि हमारी उल्टी साइड थी, हम इसे अंदर की तरफ करेंगे तो ये आपका अंदर की तरफ आ जाएगा और वाइट बुकरम ना होने की वजह से ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से नज़र आएगा। अगर वाइट बुकरम होगी तो हल्के कपड़े में यहाँ पर नज़र आती है और बुकरम की फिनिशिंग जो है आपकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको पोछा बनाना सिखाऊंगा ये आपको बताऊंगा सीधी सिलाई का, और कितनी सिलाई लगनी चाहिए ये आपको मैं बताऊंगा और किस तरीके से। तो सबसे पहली सिलाई ये लगाने के बाद अब स्टार्ट होगी, तो हमारी पहली सिलाई आएगी किनारे पे। आप इसे इस तरीके से ऐसे रखते हुए सबसे पहले इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हल्के हाथ से आप इसे ऐसे सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा लें, बिल्कुल किनारे पर आपकी सिलाई लगनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी सिलाई होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते और यहाँ पे नॉर्मल इसको इस तरीके से सेट करके बनाते हैं, तो यहाँ वाली सिलाई आपकी टेढ़ी हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सिलाई पहले इसको इस तरीके से सीधी करनी है। सीधी करने के बाद ये फालतू कपड़ा जो भी होगा बाहर की तरफ लेके जाएंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और ये वाला हिस्से पर आपको कैसे पहचान होगी मैं आपको बताता हूँ। ये उंगली जो होगी, इस उंगली से आप इसे ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे की तरफ में आपकी बुकरम कहाँ तक है। तो एक अंदाजे से आपको सिलाई लगानी होगी, हल्के कपड़े में आप देख सकते हैं लेकिन मोटे कपड़े में आपको अंदाजे से सिलाई लगानी होगी। तो देखिए आप इसे इस तरीके से करते हुए पहले आप सिलाई लगाएंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कपड़ा है ना तो आपका इस तरीके से झोल खाएगा ना यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव आके इस तरीके से बनेगा। बस आपको हल्के हाथ से इस तरीके से देखिए सेट करते हुए पोंचे को बनाना है। ये देखिए उंगली से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बुकरम कहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसे सेट करते हुए सिलाई लगाएं जैसे कि मेरा हाथ चल रहा है, और फिर यहाँ पे सिलाई आएगी तो इसे भी सीधा करके आप इसे सेट कर लें और वैसे ही सिलाई लगाएं जैसे हमने पहले लगाई थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपकी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब इसके बाद जो भी कपड़ा है आप इसको बाहर की तरफ यहाँ पर निकाल के, ठीक है, आप इसमें सिलाई लगा लें। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ उल्टी तरफ से कि हमारी जो सिलाई लगी, देखिए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगी है। ठीक है, ये एक तरीका होता है आपको इस तरीके से सिलाई लगाने का। अभी आपका जो पोचा यहाँ पे जम चुका है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों इसमें आपको लगानी सीधी सिलाई वाला मैं आपको पोचा बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको इन दोनों सिलाइयों के बीच में एक सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पर मैं चौक का निशान लगाता जाऊँगा, तो चलिए इसके बीच में हम एक सिलाई लगा लेते हैं और बिल्कुल बराबर से लगानी है। यानी कि आपको बराबर कैसे लेना है, इन दोनों बूट के हिसाब से आपको देखना होगा जब आप पोंछा बनाएंगे। एक बराबर से आपको सिलाई लगानी बिल्कुल सीधी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हमने सेंटर में बिल्कुल सिलाई लगाई है। अब आपको इसके और इसके बीच में एक सिलाई लगानी है बिल्कुल सेंटर में, जैसे हमने ये वाली लगाई थी। तो चलिए इस पर भी सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने एक बराबर जो है यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक सिलाई लगानी है जो कि आपकी यहाँ पे लगेगी एक बराबर से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पांच सिलाई लगा ली है जो कि आपकी बिल्कुल एकदम बराबर है। अब आपको क्या करना है, इन पाँचों के बीच में एक दो तीन चार, चार सिलाई और आएंगी तो इनके बिल्कुल सेंटर सेंटर में आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी। तो ये आपका पोचा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा, कैसा मतलब बनने के बाद नज़र आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने सारी सिलाई लगा ली है जो कि आपकी इस तरीके से दिखेंगी। आजकल सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों सीधी सिलाई चलती है, तो मैंने आपको सीधी सिलाई में पोचा बना के दिखाया, और आप देखेंगे एक बराबर सिलाई लगने के बाद ये आपका पोचा इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, ये जो फालतू बुकरम है आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से भी आप इसे इस तरीके से जो कटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपका जो है पोचा यहाँ बन के तैयार है। ये तो मैंने आपको एक साइड का पोचा बना के दिखाया है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे स्टाइल में कि आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे स्टाइल के लिए हम पहले पोंछे और कपड़े को जैसे हमने बुकरम ली थी वैसे ही हम बुकरम लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने वैसे ही बुकरम लिए, ठीक है, और वैसे ही कपड़ा लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको बुकरम ऐसे रखनी है और इसे ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कम से कम कपड़ा इतना रखना होगा, यहाँ पर इतनी वाइड बुकरम नज़र आनी चाहिए। ठीक है, इसको इस तरीके से लेके इस पर सिलाई लगाएं, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा, और आप इसे इस तरीके से सेट करते हुए आपको इतनी बुकरम दिखाते हुए पूरे पे इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगा लें।
दोस्तों सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर आप इसे ऐसे चलाएं और ये वाली जो सिलाई है इससे ये जो कपड़ा उठ रहा है इस कपड़े को बिठाते हुए आप पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पे पोछा बन गया। पहले वाले में हमने इसे मोड़ा था लेकिन इसमें हम ये नॉर्मल लेके चलेंगे। ये दोस्तों ये तरीका जो है ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, जितना मार्जिन आपने आधा इंच लिया था उतने हिसाब से आप यहाँ पर आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से इसे पूरे को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ये कटिंग हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी सलवार का पोंछा लेंगे दूसरी साइड का, क्योंकि मैं आपको दूसरी तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपको वही करना है जैसा मैंने पहले बताया था पोंछे में। आप इसे देखिए ऐसे करें और नाखून लगा के पहले मार्जिन को उस तरफ कर लेंगे। इधर वाले मार्जिन को उस तरफ करना है और इधर वाला जो मार्जिन है आपको इस तरफ करना है। तो यहाँ पर नाखून लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग बनी रहे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको इस तरीके से रखना है बुकरम। आधा इंच का मार्जिन ऑटोमेटिक आएगा। ये आपको कपड़े से कपड़े मिला के ऐसे रखना है और इस पर सिलाई चलानी इस तरीके से जैसे हम अपने गले को पलटते हैं। तो ये देखिए सिलाई लगा दी। उसके बाद ये मार्जिन का हमें ध्यान रखना है और इसको नीचे से हल्का सा पकड़ के इसको ऐसे सेट करना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है पोछे को इस तरीके से सिलाई लगा के जमा लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटना है और पलटने के बाद इसके किनारे पे या एक पैर की सिलाई से इस तरीके से इस पर एक सिलाई लगा लें और सारा मार्जिन आपका इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए वाइट वाला हिस्सा आपका ऐसे छुप जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी पोछे में। तो चलिए इस पर भी हम एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका दूसरे वाला हिस्सा इस तरीके से बन चुका है और जो भी मार्जिन वाला हिस्सा था अब हम इसे जब ऐसे पलटेंगे ये सारा का सारा अंदर चले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसे ऐसे पलट के सबसे पहले किनारे पे सिलाई लगाते हैं जैसे हमने पहले पोछे में लगाई थी। और उसके बाद दोस्तों बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी, ठीक है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे एक। तो दोस्तों ये देखेंगे कि ये भी हमारी बिल्कुल वैसी सिलाई लगी जैसे हमने पहले वाले पोंछे में लगाई थी। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, पहले सेंटर में सिलाई, फिर उसके सेंटर में सिलाई, फिर उसके सेंटर में सिलाई, इसी तरीके से आप अपने पूरे इस पोंछे को तैयार कर लेंगे। फिर मैं आपको दोनों पोंछे दिखाता हूँ एक साथ कि आपकी फिनिशिंग कैसी आई है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारे दोनों के दोनों पोंछे जो मैंने आपको बना के दिखाए हैं। तो सलवार की मोरी आप किस तरीके से बनाएंगे ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा फर्स्ट वाला था जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था और ये हमारा सेकंड वाला है। तो आपको मैं राय दूंगा, अगर सेकंड वाला आप जो तरीका यूज़ करेंगे बनाने का तो इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये आप बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको भी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।